आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्याज, शिमला मिर्च और बेसन की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। बेसन डालने से सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। बहुत ही ग्रेवी वाली सब्जी है और इस सब्जी को आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ भी खाया जा सकता। इस सब्जी का टेस्ट बिल्कुल लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। इसको बनाना भी आसान है। इस तरीके से अगर आप सब्जी बनाते हैं तो आपको पता चलेगा कि सब्जी का टेस्ट कितना बढ़ जाता है। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सब्जी बनती है। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 प्याज लिए थे और 2 को मैंने इस तरीके से स्लाइस में काट लिया है। पहले मैंने इसका छिलका निकाल कर अलग कर लिया और फिर हमने इसको काट कर इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। एक प्याज मैंने बचा के रखा है, इसको मैं दिखाती हूँ हम इसको कैसे कट कर रहे हैं। प्याज अगर छोटे हैं तो आप 3 भाग में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, अगर बड़े हैं तो 4 या 5 में भी कर सकते हैं। पीसीस थोड़े जो हम प्याज के निकालेंगे थोड़े बड़े होने चाहिए, तभी वो सब्जी में अच्छे लगेंगे। इस तरीके से हमने एक प्याज को रख लिया है बचाकर, उसके हम स्लाइस कट करेंगे। इसको हमें पूरा कट नहीं लगाना है क्योंकि हमें थोड़े बड़े स्लाइस चाहिए। ऊपर वाले पहले हम कट लगाकर आधा सा कट लगाएंगे और उसके स्लाइस निकाल लेंगे। हमने इसमें 4 कट लगा लिए हैं और इस तरीके से इसके स्लाइस निकाल लेंगे। सभी स्लाइस को अलग कर लेंगे, जो बीच में छोटा पार्ट बटेगा उसके हम 2 पीस भी कट कर सकते हैं और एक भी बना सकते हैं या 3, जैसे भी करना चाहे। 2 पार्ट में हम बीच वाले पार्ट को हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए हमने सारे स्लाइस इसी तरीके से निकाल कर तैयार कर लिए थे और ये हमारे प्याज जो है कट कर तैयार है। थोड़े मोटे होंगे तो अच्छे लगेंगे। शिमला मिर्च को हमने पहले ही काट कर टुकड़ों में रख लिया था और चलिए अब हमें इन दोनों चीज़ों को फ्राई करना है। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे, उसके लिए हमने गैस पर पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। पैन के अंदर हम 5-6 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे क्योंकि हमें इनको फ्राई करना है। सबसे पहले हम प्याज डालकर फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर कटे हुए प्याज डाल देंगे और हमें इसको मीडियम हाई पर प्याज को लगातार चलाते हुए हल्का गोल्डन कलर आने तक हमें इनको फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं हल्के से, अभी इनका हल्का सा कलर चेंज हुआ है। अभी हम इनको और थोड़ी देर ऐसे ही लगातार चलाते हुए भुनेंगे, प्याज को अच्छे से गोल्डन कलर होने तक हम फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम प्याज को बाहर निकाल लेंगे। सेम पैन के अंदर हम शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे। कटी हुई शिमला मिर्च हम तेल के अंदर डाल देंगे और इसी तरीके से लगातार चलाते हुए शिमला को मिर्च को सॉफ्ट होने तक, इसमें हल्के से स्पॉट्स आ जाएं तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और ये शिमला मिर्च बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, जैसे कि प्याज भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, ऐसे ही शिमला मिर्च भी बहुत जल्दी फ्राई होकर तैयार हो जाती है। इन दोनों को इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्राई होने के लिए, बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। आप देख सकते हैं शिमला मिर्च हमारी, शिमला मिर्च जो है हल्की फ्राई हो चुकी है, इसका हल्का कलर चेंज हो चुका है और इसको हमें ज़्यादा मैशी नहीं करना। इसी तरीके से फ्राई होने तक हम इसको करेंगे, तलेंगे और ये हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इन शिमला मिर्च को बाहर निकालेंगे प्लेट के अंदर। उसी पैन के अंदर हम तड़का लगाएंगे, तेल हमारा काफ़ी बच गया है, जैसे कि हम इसमें तड़का लगा सकते हैं, हमें और तेल की ज़रूरत नहीं है। उसी गरम तेल के अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और साथ में हमने 2 प्याज जिसको हमने बारीक काट के लिया है, बिल्कुल बारीक, वो हम डालेंगे और इसको लगातार चलाते हुए प्याज को अच्छे से भुनेंगे जब तक ये बढ़िया से भुनना जाए। प्याज को हमने लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक भून लिया है, बहुत अच्छे से भुन गए हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे बेसन। बेसन वाली सब्जी बना रहे हैं तो बेसन तो डलता ही है और इससे बेसन से सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। पहले ही हम बेसन डाल देंगे 1 चम्मच और साथ में हम भून लेंगे, और जैसे कि बेसन को भी हमें काफ़ी भुनना है इसीलिए हमने आधे प्याज भुनने के बाद इसके अंदर डाल दिया था बेसन 1 चम्मच। बेसन को हम लगातार चलाते हुए भुनेंगे जब तक ये बढ़िया से खुशबू ना आने लगे। बेसन, थोड़ा सा बेसन को हमने लगातार चला लिया है और भून लिया है, 1 मिनट तक हमने इसको भून लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर ग्रेटेड अदरक 1 चम्मच, हमने इसके अंदर ग्रेटेड अदरक डाल दिया है 1 चम्मच ही, हम इसके अंदर
ग्रेट किया हुआ लहसुन डाल देंगे, अगर आपके पास पेस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको भी। हमें डालने के बाद हम इसको लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए सारी चीज़ों के साथ भून लेंगे, ताकि हमारा बेसन और लहसुन अदरक है वो भी अच्छे से पक जाए, साथ में प्याज भी। और देखिए हमारा ये मसाला बहुत ही अच्छे से भुनकर तैयार हो चुका है, बेसन भी पक चुका है। अब हम डालेंगे कटी हुई 2 हरी मिर्च को बारीक काट के लिए वो डाल दी है हमने, और साथ में अब डाल देंगे सूखे मसाले। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और ये सारी चीज़ों को डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे, कुछ सेकंड के लिए चलाते हुए भुनेंगे। हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर को काट के लिया है वो डाल देंगे इसके अंदर, और कटे हुए टमाटर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए मसाले को भुनेंगे, और बहुत ही अच्छे से भुनेंगे ताकि टमाटर बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो जाए, सॉफ्ट भी हो जाए। टमाटर जो है हमने 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए मसाले को भून लिया है, टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, एकदम मिक्स हो चुके हैं। हमें इसी तरीके का ही मसाला चाहिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम ही पानी डालेंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी सी बन जाए। और इसको हम ढककर 1-1.5 मिनट तक पका लेंगे। हमने 1.5-2 मिनट तक मसाले को भून लिया है, पका लिया है ढककर, और देखिए ढक्कन खोलकर देखा है तो बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है। और हमें इसी तरीके की ही ग्रेवी चाहिए, इतना गीली होनी चाहिए, ज़्यादा इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर और फ्राई की हुई शिमला मिर्च और प्याज इसके अंदर डालकर मिला देंगे, हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसको ढक देंगे 2 मिनट तक मीडियम आंच पर, अच्छे से पकने देंगे ताकि प्याज और शिमला मिर्च बहुत ही अच्छे से साथ में मिल जाए मसाले के। 2 मिनट के लिए हमने शिमला मिर्च को ढककर पका लिया है, और बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है सब्जी के साथ, बहुत ही बढ़िया सी सब्जी हमारी ग्रेवी वाली बनकर तैयार हो चुकी है। हमें अगर आप इसको और भी सुखाना चाहे तो वो आपके ऊपर है, मैं इस तरीके से ही बना रही हूँ और ऐसे ही सर्व करूँगी। अब हम गैस को बंद कर देंगे, हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसको बॉल में निकालेंगे, ऊपर से हम धनिया डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ। बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार है, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर जल्दी से मिलते हैं अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।